महामारी को लेकर पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन जब से वैक्सीन आई है तब से लोगों ने राहत की सांस ली है। कई देशों में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है तो कहीं कहीं ये शुरू भी नहीं हो पाया। आर्थिक रूप से संपन्न मुल्कों में वैक्सीन आसानी से उपलब्ध है तो गरीब देशों में अभी इसका इंतजार चल रहा है। कई देशों में तो वैक्सीन पासपोर्ट भी शुरू हो गया है, यानी जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है उन्हें ही अपने देश में आने की इजाजत दी जा रही है। ये खबर स्वदेशी टीका कोवैक्सीन लेने वालों के लिए चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि यदि आपने कोवैक्सीन का टीका लगवाया है तो आपको नॉन वैक्सीनेटेड यात्री कहा जा रहा है। ऐसा क्यों है, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार भारत बायोटेक और ICMR के सहयोग से बनी कोवैक्सीन का प्रचार दुनिया में कर रही है। इसे महामारी का पहला स्वदेशी टीका बताया जा रहा है और इसका असर भी जबरदस्त बताया गया है, लेकिन इस टीके को दुनिया ने अभी तक मान्यता नहीं दी है। जिस किसी ने कोवैक्सीन की डोज ली है ऐसे लोगों को विदेश यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है, क्योंकि उन्हें नॉन वैक्सीनेटेड यात्री माना जाएगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है WHO। जी हाँ, WHO ने अभी तक कोवैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी है। जिन वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त WHO ने दी है उन्हें ही वैक्सीन पासपोर्ट के रूप में मान्यता भी अधिकांश देशों ने दे दी है। भारत की कोविशील्ड इस लिस्ट में शामिल है, लेकिन कोवैक्सीन अभी भी प्रतीक्षा सूची में है। जिन वैक्सीनों को WHO ने मंजूरी दी है उसमें मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, सिनोफार्मा, BVIP का नाम शामिल है। साफ है जो लोग कोवैक्सीन टीका लगवा चुके हैं उन्हें विदेश यात्रा करने के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है। इस खबर के आने के बाद से ही सरकार ने कोवैक्सीन को WHO की EUL लिस्ट में शामिल कराने की तैयारियाँ तेज कर दी है। WHO के पास कोवैक्सीन की अप्रूवल रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी हुई है। सरकार भारत बायोटेक के अधिकारियों के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को तेज कराने में जुट गई है। भारत सरकार का दावा है कि कई देशों में कोवैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, कोवैक्सीन को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। ऐसे में कई और देश इसको मंजूरी देने वाले हैं। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला भी सोमवार को कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक के अधिकारियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं, लेकिन यहाँ फिर सवाल सरकार पर ही उठ रहे हैं कि उसका हर कदम देरी से क्यों उठता है। अब जब करोड़ों लोगों को कोवैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, जनवरी से ही ये वैक्सीन भारत में लगाई जा रही है, तो WHO की मंजूरी के लिए इतनी देर क्यों की गई? DB लाइव की रिपोर्ट।